Good morning, students. Today we are going to learn a poem that is 10 Little Teddy Bears. तो हम लोग poem learn करने जा रहे हैं जो कि 10 Little Teddy Bears. जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आप भी बोलेंगे. You will have to recite with me. Okay? 10 Little Teddy Bears. आप बोलिए साथ में. 10 Little Teddy Bears sitting on the bed. I will read a book now, said Mr. Red. 10 teddy bears थे जो बेड पर बैठे थे. उसमें से मिस्टर रेड एक थे. वो कहते हैं कि मैं बुक रीड करूंगा. I will read a book now. To 10 little teddy bears, साथ में recite करिए please. 10 little teddy bears sitting on the bed. I will read a book now, said Mr. Red. Next, 9 little teddy bears playing in the sink. I am feeling hungry now, said Miss Pink. Sink क्या होता है जिसमें नहाते हैं, bathtub होता है बड़ा, तो bathtub होता है तो उसमें नहाया जाता है पानी भरकर में. उसी में 9 teddy bears नहा रहे हैं. तो वो कहते हैं क्या कहते हैं उसको देखिए. 9 little teddy bears playing in the sink, पानी में खेल रहे हैं, वो सिंक में है. I am feeling hungry now, said Miss Pink. Miss Pink उसमें से एक teddy bear है जो ये कहता है कि हमें भूख लगी है. I am feeling hungry now. Next, 8 little teddy bears playing in the sack. I am feeling sleepy now, said Mr. Black. सैक क्या होता है? बड़ा सा झोला, बोरा. तो एक बड़े से झोले में, एक बड़े से बोरे में 8 टेडी बियर्स बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं. उसमें से मिस्टर ब्लैक एक जो है टेडी बियर है वो कहता है कि हमें नींद आ रही है. आई एम फीलिंग स्लीपी. तो हमें नींद आ रही है. तो कैसे कहते हैं? रिसाइट विद मी. 8 लिटिल टेडी बियर्स प्लेइंग इन द सैक. I am feeling sleepy now, said Mr. Black. Okay. Next stanza. 7 little teddy bears together took a bite. I will get some water, said Mr. White. Bite क्या होता है? Bite लेने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को काटना, जैसे ब्रेड को काटना, रोटी को काटना. तो 7 little teddy bears है वो ब्रेड खा रहे हैं और सब जो है बाइट कर रहे हैं. सब जो है बाइट कर रहे हैं. बाइट करने के बाद जब आप लोग कुछ खाते हैं तो पानी की जरूरत होती है. उसमें मिस्टर वाइट पानी मांग रहे हैं. कैसे मांगते हैं? रिसाइट विद मी. 7 लिटिल टेडी बियर्स टुगेदर टुक अ बाइट. आई विल गेट सम वाटर, सेड मिस्टर वाइट. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा. 6 लिटिल टेडी बियर्स केम टू से हेलो. I will go and sing a song, said Mr. Yellow. तो 6 of the teddy bears थे जो एक साथ मिलकर के एक दूसरे से मिलने के बाद हेलो बोलते हैं. और हेलो बोलने के बाद उसमें से मिस्टर येलो जो होते हैं उन्हीं टेडी बियर्स में एक मिस्टर येलो है. तो मिस्टर येलो कहते हैं कि मैं एक गाना गाऊंगा. I will sing a song. तो देखिए कैसे कहते हैं. Recite with me. 6 little teddy bears came to say hello. I will go and sing a song, said Mr. Yellow. ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है? Okay, next. 5 little teddy bears dancing on the glue. Oh, I am stuck, said Mr. Glue. Glue क्या होता है? Gum, paste, जिससे हम लोग कोई चीज चिपकाते हैं, लेई. तो 5 little teddy bears है वो गम के ऊपर जो है खेल रहे थे. तो जब गम के ऊपर खेल रहे थे, ग्लू के ऊपर खेल रहे थे, तो मिस्टर ब्लू जो है वो उसमें चिपक जाते हैं. स्टक हो जाने का मतलब क्या हुआ? चिपक जाना. तो मिस्टर ब्लू चिपक जाते हैं. वो कहते हैं कि हम चिपक गए. वही चीज इसमें बोली गई है. नाउ रिसाइट विद मी. 5 लिटिल टेडी बियर्स डांसिंग ऑन द ग्लू. ओह, आई एम स्टक, सेड मिस्टर ब्लू. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा. 4 little teddy bears playing with a tray. I will serve some honey, said Mr. Gray. Tray आप समझते हैं जिसमें से हम लोग क्या है कि जितने भी जैसे ट्रे में सामान लेकर के जाते हैं तो उस तरह की ट्रे.
सब लोग लिए हुए हैं, तो चार टेडी बियर्स हैं वो लिए हुए हैं, उसमें से मिस्टर ग्रे कहते हैं कि इस ट्रे में हम हनी सर्व करेंगे, हनी जाते हैं ना आप, शहद, शहद हम बांटेंगे या देंगे। तो रिसाइटिंग में फोर लिटिल टेडी बियर्स प्लेइंग विद अ ट्रे, आई विल सर्व सम हनी, सेड मिस्टर ग्रे। तो ये शीट आप लोगों के पास है, आप लोगों को डाउनलोड करा दी गई है, इसको साथ में लेकर के सामने देख करके ही पढ़िए। Now, three little teddy bears playing with the crown. I will wear it and play around, said pretty Miss Brown. अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तीन teddy bears हैं। ये तीन teddy bears क्या करते हैं? उनके पास एक crown है। Crown क्या होता है? मुकुट, जिसे राजा लोग मुकुट लगाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? Crown। तो crown है, वो crown लगा करके वहीं पर खेल रहे हैं और जो है घूम रहे हैं वहीं पर। और उसमें से जो है आपके मिस ब्राउन जो है, मिस ब्राउन एक जो है आपके टेडी बियर है, जो कहती है कि मैं जो है इस क्राउन को लगाऊंगी। तो देखिए, रिसाइट विद मी अगेन, थ्री लिटिल टेडी बियर्स प्लेइंग विद द क्राउन, आई विल वेयर इट एंड प्ले अराउंड, सेड प्रिटी मिस ब्राउन। ये क्या है? थ्री लिटिल जो है आपके टेडी बियर्स के बारे में। अब फ्री के बाद टू टेडी बियर्स आ जाते हैं। टू लिटिल टेडी बियर्स लिकिंग द क्रीम, आई विल गेट सम चॉकलेट, सेड मिस्टर ग्रीन। अब दो टेडी बियर्स हैं, लिक करने का मतलब क्या होता है? चाटना। तो लिक करना, जबान से चाटना, तो लिक कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि आइसक्रीम खा रहे हैं और आइसक्रीम खाते रहे, हम लोग क्या करते हैं? आइसक्रीम को चाटते हैं, तो उसको कहते हैं लिकिंग द क्रीम। The two little teddy bears, recite with me, two little teddy bears licking the cream, I will get some chocolate, said Mr. Green. उसमें से मिस्टर ग्रीन जो है वो कहते हैं कि मैं चॉकलेट भी जो है ले आऊंगा या जो है आपके ले लूंगा। तो I will get some chocolate, said Mr. Green. Now one teddy bear, that is Mr. Purple. One little teddy bear playing with a turtle. Turtle जानते हैं आप क्या होता है? कछुआ। कछुए के साथ एक teddy bear खेल रहा है। उस teddy bear का नाम Mr. Purple। तो Mr. Purple जो है वो turtle के साथ खेल रहा है। तो one little teddy bear playing with a turtle. I haven't learned names of colors, said Mr. Purple. तो अब यहाँ पर क्या है कि एक teddy bear है, वो turtle के साथ, कछुए के साथ खेल रहा है और वो उसमें से वो जो आपके कछुआ है उसका नाम है मिस्टर पर्पल। मिस्टर पर्पल क्या कहते हैं कि हमने अभी लर्न नहीं किया कलर्स को, तो कलर्स के नाम अभी उसने याद नहीं किए, वही वो बता रहा है। तो रिसाइट विद मी अगेन, वन लिटिल टेडी बियर प्लेइंग विद अ टर्टल, आई हैव लर्न नेम्स ऑफ कलर्स, स्माइल्ड मिस्टर पर्पल। तो मिस्टर पर्पल ये कह रहे हैं कि हमने कलर्स का नाम को जो है याद कर लिया है, सॉरी हमने बोल दिया था नहीं याद किया है, याद कर लिया है। I have learned names of colors, हमने कलर के नाम को याद कर लिया है। तो ये कौन कह रहा है? मिस्टर पर्पल कह रहे हैं जो टर्टल के साथ खेल रहे हैं। तो रिसाइट विद मी, वन लिटिल टेडी बियर प्लेइंग विद द टर्टल, आई हैव लर्न्ड नेम्स ऑफ कलर्स, स्माइल्ड मिस्टर पर्पल। ओके, ये छोटी सी पोइम है, अब इस पोइम को आपको लर्न करना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को करना है। आपकी शीट है, शीट को आप यूज करिए और हेडफोन ईयरफोन का इस्तेमाल कर लीजिए। शीट को जब ये पढ़िए तो ये शीट आप निकाल लीजिए, क्योंकि आप लोगों को डाउनलोड कराई गई है और ये अपलोडेड है जो है आपके उस पे साइट पे, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और शीट निकाल करके उसके हिसाब से पढ़िए। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।